वेलकम इन लेक्चर ट्वेंटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करंटली वी आर यूनिट थ्री एंड दैट इज इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल वी आर कंटिन्यूड आवर प्रीवियस लेक्चर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन माई सेल्फ संजय तिवारी आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन बी एन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ तो आइए अपने सब्जेक्ट में चलते हैं और थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जिससे कि आगे की टॉपिक्स थोड़ा से आसान दिखाई पड़ें हम लोग बात कर रहे थे डिप्रिसिएशन की और डिप्रिसिएशन को हिंदी में हम मूल्य ह्रास के नाम से जानते हैं ह्रास होने का मतलब क्या हुआ किसी चीज़ का कम हो जाना डिके हो जाना डिक्रीज हो जाना घट जाना ठीक है और अगर आप याद करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया था एक वर्कशॉप को ओपन किया था और उसमें ढेर सारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व थी सब मिला के फाइव फाइव लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करके एक मशीन परचेज किया था सी मशीन उसको इंस्टॉल किया था और उस मशीन की जो सर्विस लाइफ थी वो टेन ईयर्स थी है ना तो टेन ईयर हमने मशीन को इंस्टॉल किया ये जीरो टाइम पे आज इंस्टॉल किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ नाइन एंड टेन इस मशीन की जो हमने मशीन लिया हुआ है इसकी सर्विस लाइफ है कि वो मशीन आज लिया है तो वो टेन ईयर्स के लिए हमारे साथ रहेगी और अपना काम करेगी ठीक है अब जो फिर क्या हुआ कि हमने इतना इसमें इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर टेन ईयर्स जब उसको हम सेल आउट करने चलते हैं मशीन को रिप्लेस करने चलते हैं मशीन काम की नहीं रही उसकी सर्विस लाइफ कंप्लीट हो गई तो मुझे मालूम चला कि वो फिफ्टी थाउजेंड की मशीन हमारी सेल आउट हो रही है है ना फाइव पॉइंट फाइव लाख का लिया था और फिफ्टी थाउजेंड की सेल आउट हो रही है तो इस टेन ईयर के वर्किंग प्रोसेस में हमें दिखाई क्या पड़ रहा है कि फाइव लाख रुपीज़ हमारा जो मशीन की वैल्यू थी वो कम हो गई है ना नो डाउट इस ड्यूरेशन में हमने प्रॉफिट अन किया होगा प्रॉफिट को अन करते रहे लेकिन साथ साथ में जो हुआ क्या कि मशीन की वैल्यू भी हमारी घटती रही तो नॉर्मली अगर कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट अन कर रहा है वो सारे प्रॉफिट को अपने ही यूटिलाइजेशन में ले ले तो एट द एंड ऑफ टेन ईयर उसके पास नई मशीन को ख़रीदने के ऑप्शन अगर जाता है कि परचेज न्यू मशीन तो उसके पास सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ही बचेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने वर्कशॉप को क्लोज कर दें और क्लोज कर दें तो उस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ हैं जो जो प्रॉफिट पहले अन कर चुका है वो उसके पास है और वो बिजनेस से हट जाएगा चलिए हम इस ऑप्शन को क्लोज़ कर रहे हैं वी विल नॉट क्लोज आवर बिजनेस और हम एक नई मशीन को परचेज करने के प्रोसेस में आ रहे हैं तो फिफ्टी थाउजेंड में तो आफ्टर टेन ईयर वो मशीन नहीं मिलने वाली तो हमारे पास एक सफिशेंट फंड होना चाहिए अब ये फ़ंड कैसे क्रिएट करें इसी प्रोसेस को हम डिप्रेसिएशन की एनालिसिस में बात करने वाले हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि कुछ करना नहीं है एक फंड बनाएं एक बैंक में अकाउंट ओपन कर दें या एक घर में पिगी बैंक गुल्लक रख लें और हर साल का जब फाइनेंशियल अपना क्लोज करें कि एक साल बिजनेस किया क्लोज करने के बाद हमने देखा कि इतना प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट में से सर्टन अमाउंट हम इस बैंक में डिपॉजिट करें ऐसे ही एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हर साल के अंत में इस बैंक में इस अकाउंट में इस गुल्लक में कुछ अमाउंट जाना चाहिए ठीक है ये अमाउंट इसके अंदर जाना चाहिए अब बस खाली एनालिसिस क्या करना है कि ये अमाउंट कितना हो ये बात आगे की स्लाइड्स में करेंगे कि अमाउंट कितना हो लेकिन जब हम ये अमाउंट हमारे पास यहाँ कुछ अमाउंट होगा टेन ईयर्स के अंत में एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर्स इसमें कुछ अमाउंट होगा अब जब हम दस साल बीतने के बाद नई मशीन को परचेज करने जाएंगे तो ये अमाउंट हमारे पास होगा प्लस फिफ्टी थाउजेंड ये होगा तो हमारे पास एक सफिशियंट अमाउंट होगा इन दोनों अमाउंट की मदद से हम अपने एक नई मशीन को परचेज करने की कंडीशन में आ जाएंगे है ना हो सकता है थोड़ा कुछ पैसे कम पड़े तो उतना तो लगाना ही पड़ेगा लेकिन ये कंडीशन नहीं आएगी कि हमारा ये बिजनेस क्लोज हो जाए ठीक है तो इसी को हम कह रहे हैं कि अगर एक बार इसको रिवाइज करके देख लें तो क्या लिखा है कि इफ़िशंसी एंड वैल्यू ऑफ़ मशीन एसेट कंटिन्यूसली रिड्यूज क्यों कम होती है विद द लैप्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग यूज विच इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन सो सम मनी मस्ट बी सेट असाइड सेट असाइड वही तो कर रहे हैं ना सेट असाइड सम मनी को हमने निकाल के अलग कर दिया सम मनी मस्ट बी सेट असाइड ईयरली फ्रॉम द प्रॉफिट्स सो दैट व्हेन द इक्विपमेंट बिकम अन इकोनॉमिकल इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन नई मशीन से हम इसको रिप्लेस कर पाए जब इसकी सर्विस लाइफ कंप्लीट हो जाए है ना तो हम लोग जब भी डिप्रशन की बात करते हैं तो किस किस टाइप की कॉस्ट की बात करते हैं हम सिर्फ हमने आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो देखेंगे मशीन की कीमत पाँच लाख रुपए थी पचास हज़ार रुपये तो हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने में इंस्टॉल करने में और मटेरियल में लगाना पड़ा तो हमें इनिशियल कॉस्ट को देखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट को देखना पड़ेगा अगर टेन ईयर के बीच में कुछ रिपेयर किया गया है यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया कोई रिपेयर नहीं हुआ सपोज दैट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ऑफ किसी भी बीच में कहीं पर हमें इस पॉइंट में कुछ मशीन में ख़राब आ गया और हमें फिर से इसमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट इसमें करना पड़ा तो इसका मतलब हमें इस अमाउंट को भी अब इस अमाउंट के रेशियो में भी इस बैंक में अकाउंट में कुछ डालना पड़ेगा है ना तो रिपेयर कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी प्लस आल टैक्सेज इन्वॉल्व होंगे और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो हमको लास्ट में मिल ही रही है है ना तो इस पूरे अमाउंट को हम डिप्रिससन मेथड के तरीके से मेथड के जो बताए जाएंगे उससे हम वापस रिकवर करेंगे है ना तो फॉर दिस परपज़ इन सब के लिए डिप्रेसिएसन अकाउंट इज ओपन एंड द अकाउंट इज़ नोन एज डिप्रशन और सिंकिंग फंड तो इतनी बातचीत हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं आज हम लोग इसको कुछ प्रॉब्लम के साथ देखेंगे कि कैसे ये डिप्रसेसन अमाउंट रिकवर कर सकते हैं ठीक सो so, अब डिप्रशन अमाउंट को रिकवर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं हम यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसके डिस्कशन करेंगे सो नंबर ऑफ मैथड्स आर अवेलेबल टू रिकवर द डिप्रिसिएशन अमाउंट सम इम्पॉर्टेंट्स मैथड्स आर लिस्टेड बिलो कौन कौन से मैथड हैं सबसे पहला और सबसे सिंपल सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ सिंपल है वही किसी भी कैलकुलेशन का एक बेस बनता है वहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं कि आगे जब प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होगी तो इसको कैसे डील करेंगे तो इसी को कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मैथड है ना और आप स्ट्रेट लाइन का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन है कोई एक ऐसी लाइन होगी जो कि स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ही क्या हो गया कि ये लीनियर होगा यहाँ जो भी बातचीत होगी वो लीनियर फॉर्म में रहेगी है ना अगर कोई डिपेंडेंट वैल्यू है तो लीनियरली वो चेंज होगी है ना तो स्ट्रेट लाइन डिप्रेसिएशन और इसी को कह रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अभी आगे देखते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं है, है ना दूसरा क्या है कि डिक्लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस डिप्रेसिएशन मैथड एंड थर्ड वन इज सिंकिंग फंड मैथड फोर्थ इज सम ऑफ द ईयर डिजिट डिप्रेशिएशन मैथड तो इन्हीं फोर मेथड्स में से कुछ मेथड्स को हम लेकर चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक अमाउंट को रिकवर करते हैं सो so, चलिए जो प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में लिया था या प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम वही है सेम है कि हम एक वर्कशॉप स्टार्ट करना चाह रहे थे कानपुर में और उसके लिए हमने एक सीएनसी मशीन हमें चाहिए थी और हमने अपना रिसर्च किया और पता चला कि उसको हम दिल्ली से ले आएंगे दिल्ली से घर परचेज करेंगे तो दिल्ली से कानपुर लाना होगा उसको उस मशीन की कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट है वो फाइव लाख की है दिल्ली से कानपुर लाने के लिए उसमें ट्वेंटी थाउजेंड का खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टर लेगा एंड इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब एक बहुत अच्छी सी स्पेसिफिक हाईली ऑटोमेटेड मशीन है उसको इंस्टॉल करने के लिए एक खास तरह के इंजीनियर साहब आएंगे तो उनका जो चार्ज है दैट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड एंड आफ्टर दैट जब वो आएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ हमें और रिक्वायरमेंट है कुछ नट बोर्ड्स कुछ इक्विपमेंट्स कुछ फाउंडेशंस इस टाइप की ज़रूरत है तो उसको बनवाने के लिए परचेज़ करने में जो इन्वेस्टमेंट आया दैट इज़ टेन थाउजेंड तो सब मिला के देखा गया इनिशियल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन और अदर मटेरियल मिला के तो मालूम चला कि फाइव फाइव लाख रुपीज़ में हमारा एसेट तैयार हुआ है ना तो इसी को कह रहे हैं कि ये हमारा एसेट वैल्यू हुआ है ना इसी को टेक्निकल इकोनॉमिक्स uh, के टर्म में हम लोग बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं तो बुक वैल्यू से कन्फ्यूज नहीं होना है बुक वैल्यू एंड एसेट वैल्यू सेम चीज़ है ये सारा प्रोसेस करने के बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद मात मतलब ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है जब वो रेडी टू यूज हो जाए जब वो बिल्कुल काम करने के लिए रेडी तो हो जाए आपने स्विच ऑन किया और मशीन चालू हो गई तब उसे आप कह रहे हैं उस समय तक जो कीमत लगेगी दैट इज़ बुक वैल्यू है ना अच्छा तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जब हमने इसको कॉस्ट ऑफ एसेट रेडी टू यूज है ना जीरो आज हमने इसको, इसको स्टार्ट किया और इसकी बुक वैल्यू आई थी 5.5 लाख है ना हमने 10 इयर्स तक इससे काम लिया है ना वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन है ना इस तरीके से हमने इससे टेन ईयर काम लिया ये दैट इज़ और 10 साल के बाद जब इसको हमने सर्विस लाइफ एंड हुई तो मशीन को सेल आउट किया ठीक है जब सेल आउट किया तो सपोज दैट कि हमने इसको 50,000 में सेल आउट कर दिया है ना जिसको कह रहे हैं सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू सेल्वेज वैल्यू का मतलब फिर से समझ लें सेलवेज का मतलब यह है कि वो रीसेल में जा रही है अभी वो अपनी जो उसकी फंक्शनिंग है वो कर सकती है जो हमारा सेकेंड कस्टमर उसको लेगा वो उससे कुछ वर्क लेगा और स्क्रैप करने का मतलब है कि अब उसको डिसमेंटल करके उसको रिसाइकिल करके दोबारा से उसको मटेरियल में चेंज कर दिया जाएगा वो अपना काम नहीं कर सकती है ठीक है तो सेल्वेज वैल्यू यहाँ पर यह हुआ अब बात यह आती है कि डिप्रेसेशन को प्रीवियस हमने स्लाइड में समझा के क्या था कि एक फंड क्रिएट करेंगे उस फंड में उस फंड में हर साल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर ऐसे ही हर साल इस फंड में अमाउंट आना चाहिए है ना और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये डिप्रेसिएसन फंड है अब कैलकुलेशन ये करनी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से ये अमाउंट कितना हो है ना तो स्टेट लाइन मेथड ये कहता है कि हम एक कांस्टेंट अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट इसमें हर साल इन करें अब वो कितना करें वो देखते हैं कैसे निकालना है है ना तो अगर हम ये बात करें कि टेन ईयर में हमारा अमाउंट कितना डिप्रिसिएट हुआ है टोटल डिप्रिसिएशन निकालना चाहें टोटल डिप्रीसी तो आप क्या कहेंगे कि इसकी बुक वैल्यू क्या थी दैट इज वी है ना और इसकी सेल्वेज वैल्यू क्या है इसे हम कह रहे हैं वी एस है ना दैट इज सेलवेज वैल्यू तो बुक वैल्यू हमारे पास क्या थी फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव लाख और सेल्वेज वैल्यू क्या है दैट इज यहाँ पर लिखा है फिफ्टी थाउजेंड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल जो डिप्रिसिएट हुआ है दैट इज फाइव लाख है ना ये हमारा टोटल डिप्रिसिएशन है इस अमाउंट ये टोटल टोटलिएट कितने टाइम में हुआ है इन टेन ईयर ये दस साल में अमाउंट डिप्रिसिएट हुआ है तो हमें इसी टेन ईयर में इस अमाउंट को रिकवर करना है तो अगर रिकवर करना है तो हर साल कितना अमाउंट हमें रिकवर करना है तो अगर लिनियरली हम रिलेशन को समझें जो कि ऐसा रियल में होगा नहीं अभी देखेंगे क्यों दिक्कत आई है इसमें तो हर साल इसका वन बाई टेंथ पार्ट हमारे अकाउंट में जमा होना चाहिए सिंपल सा फंडा यही है यह, है ना तो अगर आप कहें कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वॉट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन या कहें कि डिप्रिसिएशन पर ईयर या इसी को समझें कि रेट ऑफ तो इसको अगर हम डी से लिखें तो आप क्या कहेंगे कि जो टोटल डिप्रिसिएशन हुआ है टोटल डिप्रिसिएशन इसको अगर हम उसके ड्यूरेशन में कितने ड्यूरेशन में डिप्रेशिएट हुआ है उससे हम डिवाइड कर दें है ना सर्विस लाइफ से उसके डिवाइड कर दें जो इसकी सर्विस लाइफ है है ना तो सर्विस लाइफ से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि दैट इज़ फाइव लाख डिवाइड बाई टेन ईयर्स है ना तो हमें क्या मिलेगा दैट इज़ जीरो पॉइंट फाइव लाख या यूँ कह लें कि फिफ्टी थाउजेंड दिस इज़ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इट मीन्स यहाँ से ये यह बात समझ में आ रही है कि हम ये जो हमारा गुल्लक है या डिप्रशन फंड है जो कि बैंक में हमने ओपन किया है तो इसमें हर साल एक अमाउंट आना चाहिए जिस अमाउंट की वैल्यू क्या होगी फिफ्टी थाउजेंड ईच ईयर अब जब ईच ईयर फिफ्टी थाउजेंड होगा तो धीरे धीरे इस गुल्लक में कितना अमाउंट हो चुका होगा तो आप क्या कहेंगे कि फिफ्टी थाउजेंड एक साल में तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन ईयर्स है ना तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास टोटल फाइव लाख रुपीस फिर से इस अमाउंट में आ चुके हैं है ना अब इस अमाउंट में आ चुके हैं इस अकाउंट में आ चुके हैं अब एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर आपके पास कितना मनी है जिससे कि आप न्यू मशीन को परचेज करना चाहें तो इसको आपने सेल आउट किया है फिफ्टी थाउजेंड यहाँ मिल रहा है आपको और एक अकाउंट एक है उस अकाउंट में फाइव लाख रुपीज़ और मिल रहा है है ना तो सब मिला के फिर से आपके पास फाइव लाख प्लस फिफ्टी थाउजेंड फाइव पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ रहेंगे एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर और ये एक ह्यूज अमाउंट होगा एक सफिशियंट अमाउंट होगा जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके एक नई मशीन को परचेज कर सकते हैं हाँ अब यहाँ पे दो चार बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी क्या आ सकती हैं कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में जब हम कुछ मनी को ट्रांसफर करेंगे तो इस अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ लाइक ए ईयरली आर रिकरिंग डिपॉजिट तो जब ईयरली आर है तो इसमें भी कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा है ना वो इंटरेस्ट कहा गया तो नो no डाउट अगले जो मेथड्स होंगे उसमें उन इंटरेस्ट की बात भी की जाएगी है ना कि सिर्फ फिफ्टी टेन इंटू फिफ्टी कर देंगे फाइव लाख थोड़ी मिलेगा इसी में कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा है ना तो इतना अमाउंट हमारे पास और भी होगा है ना तो अभी आगे के मेथड में देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन मेथड एक सिंपल मेथड है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम इसमें अपने अमाउंट को डालें तो इसमें एजें्शन लिया गया कि ईच ईयर इक्वल अमाउंट को इसमें फ्लो करना है है ना प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ कि जो एसेट की वैल्यू है वो एसेट की वैल्यू जैसे यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएसन कांस्टेंट आ रहा है दिस इज कांस्टेंट है ना ये वेरिएबल नहीं है लेकिन जब व्यवहारिक तौर पे देखते हैं पेटिकली देखते हैं तो आपके पास कोई भी सामान हो जैसे जैसे उसका टाइम बीतेगा एक साल में उसका जितना वैल्यू कम हुई होगी नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा वैल्यू कम होगी आप एक कार परचेज करें दस लाख ,00 की आपने कार लिया एक साल के बाद उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो शायद नौ लाख में बिक जाए लेकिन दो साल के बाद करना चाहेंगे तो शायद सात लाख में बिके पहले साल में एक लाख रुपए कम हुए और दूसरे साल में दो लाख रुपए कम हुए ठीक है तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे, वैसे रेट ऑफ डिप्रशिएशन भी वेरी करता है लेकिन इस प्रोसेस में ये एज्यूम किया गया है कि रेट ऑफ डिप्रेशिएशन हर साल जो डिप्रेशिएशन फंड में अमाउंट डालना है वो कॉन्स्टेंट है ये इसका एक प्रॉब्लम है ये इसकी एक डिसएडवांटेज है है ना लेकिन एडवांटेज क्या है कि बहुत सिंपल है कैलकुलेट करने में तो आप कर सकते हैं तो लेकिन इसने एक बेस दिया कि इस तरीके से कुछ और टेक्नो और कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें ऐड करके हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो आइए देखें इस मेथड को थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में इसी प्रॉब्लम को ग्राफ में क्या देखें हमने एक ग्राफ बनाया कि इस साइड में हमने लिया बुक वैल्यू बुक वैल्यू कितनी थी जी देट यहाँ पर अगर देखा जाए जो हमने परचेज किया था तो फाइव लाख थी ये है फाइव फाइव लाख ठीक है और ये यहाँ पे हमने लिया सेलवेज वैल्यू सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब उसको हमने सेल किया तो हमें कितना मिला सेल करने मिला यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड ये हमारे पास सेलवेज वैल्यू है और दिस इज बुक वैल्यू ठीक है और स्टेट लाइन मैथड्स में क्योंकि हर साल हम कॉन्स्टेंट अमाउंट उसमें डाल रहे हैं तो लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट है इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कह रहे हैं तो इस, इस तरीके से हमारा जो उसकी डिप्रीशियट हुआ है एसेट एसेट लिनियरली डिप्रीट हुआ है यहां पे ऐसा मान रहे ये रहा है कि एसेट इज लीनियरली ये यहां पे एजेंसन लिया गया है है ना तो इस ये इस एक्सिस पे लिया है सर्विस लाइफ तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि लीनियरली एसेट डिप्रिसिएट नहीं होता है ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए ये स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी थोड़ा सा स्टीपर होना चाहिए क्योंकि रेट तेज़ी से घटते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है रेट का घटना स्लो हो जाता है तो ये लाइन कुछ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये लाइन कुछ ऐसे होना चाहिए था है ना तो आगे के जो मेथड्स होंगे उसमें जब इस स्लोप को देखेंगे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे ही मिलेगा कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से रेट डाउन होंगे और आफ्टर दैट लगभग लगभग यहाँ देखिए तो कॉन्स्टेंट सा मिलेगा है ना तो गाड़ी की अगर आपकी कार की लाइफ आठ साल दस साल हो चुकी है तो आप एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर सेल करें या एट द एंड ऑफ एलेवेंथ ईयर सेल करें लगभग लगभग वही कॉस्ट वही कीमत आपको मिलती है आइए इसी को एक दूसरे प्रॉब्लम से समझें इसी इसी कॉन्सेप्ट को स्टेट लाइन मेथड को ये प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉयलर है ए बॉयलर वॉच परचेज फॉर रुपीज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ये मैंने एक टेबल फॉर्म में लिखा है कि फर्स्ट जनवरी 1976 ये एक जो डेफ ये जो हाइट दिख रही है एक वन ईयर है यहाँ पे हमने इसको परचेज़ किया दिस इज़ फर्स्ट जनवरी और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यहाँ लेंगे है ना तो फर्स्ट जनवरी 1976 को उसको हमने परचेज किया और परचेज़ किया 45,000 में ठीक है For, और आफ्टर दैट द इंस्टॉलेशन वर्क कॉस्ट रुपीज सेवन उस बॉयलर को इंस्टॉल किया गया तो सेवन का और खर्चा उसके ऊपर आया ठीक है आफ्टर दैट क्या हुआ कि द बॉयलर वॉज रिप्लेस्ड बाई न्यू वन ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी फाइव है ना तो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में परचेज किया गया और नाइनटीन नाइनटी फाइव थर्टी फर्स्ट दिसंबर को फर्स्ट uh, जनवरी का मतलब क्या हुआ ईयर की स्टार्टिंग और यहाँ क्या हुआ थर्टी दिसंबर नाइन्टी फाइव का लास्ट मंथ लास्ट डे तो यहाँ पर इसको सेल आउट किया गया जब यहाँ सेल आउट किया गया तो उसको स्क्रैप वैल्यू मिली सेल्वेज वैल्यू नहीं है मतलब वो किसी काम का नहीं रहा स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड एज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड तो ये हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड ये वैल्यू आई प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रेट निकालना है कि है एक फंड जो बनाएंगे उसमें कितना अमाउंट पर ईयर एट द एंड ऑफ ईयर जाएगा एंड डिप्रिससन फंड ऑन द फिफ्टीन जून 1985 एट्टी जून 1985 ये 1985 का है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच की है लेकिन कहीं जून में बात पूछी जा रही है कि यहाँ पे जो डिप्रिशिएशन फंड है उसमें कुल कितना अमाउंट रहा होगा मीन्स हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट स्टेट लाइन मेथड से डब्बे में जा रहा है लेकिन बीच में अगर हम चाहते हैं कि मशीन को सेल आउट करना तो उस समय हमारे पास फंड में कितना रुपया है ऐसा कुछ जानना चाह रहे हैं है ना तो जरा इस प्रॉब्लम को समझें है ना ये हमने जो टाइम जोन लिखे हैं फर्स्ट जनवरी 1976, 15 जून 1985 और थर्टी दिसंबर 1995 ये तीन टाइम जोन दिए गए हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए टोटल कॉस्ट हमने क्या कहा था कि एक्चुअल एसेट वैल्यू कितने में थी आई थी हमारे पास वो फोर्टी और प्लस उसको इंस्टॉल करने में कुछ इन्वेस्टमेंट आया होगा तो इंस्टॉल करने में आया सेवन तो दिस इज द टोटल कॉस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड यह हो गया फिफ्टी टू थाउजेंड इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं टोटल कॉस्ट या यूं कह सकते हैं कि दैट इज नोन एज बुक वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट दिस इज बुक वैल्यू ऑफ एसेट तो जब यहां पे स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी दैट इज फिफ्टी टू थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड ठीक आफ्टर दैट स्क्रैप वैल्यू क्या है फिफ्टीन थाउजेंड हमें स्टेट लाइन मेथड से प्रॉब्लम को लेके चलना है एक मिनट हमें स्टेट लाइन मेथड से इस प्रॉब्लम को टेकअप करना है तो सर्विस लाइफ कितनी दिखाई पड़ रही है अगर इसको काउंट कर लें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करते करते ट्वेंटी ईयर्स तो हमारे पास जो सर्विस लाइफ यहाँ दिखाई पड़ रही है सर्विस लाइफ इज़ एन की वैल्यू क्या आ रही है ट्वेंटी ईयर्स ठीक है इट मीन्स अगर हमारे पास एक एसेट 52,000 का लिया था और आफ्टर 20 इयर्स इसको हम 15,000 का सेल आउट कर रहे हैं तो कुल कितना अमाउंट हमारा डिप्रिसट किया है ये हम देख सकते हैं जबकि लाइफ ऑफ बॉयलर कितना है 20 ईयर तो डिप्रिसट कितना हुआ है अगर हम 52,000 में से 15,000 को माइनस कर दें फिफ्टी से फिफ्टीन को माइनस किया तो दिस इज़ नोन एज जो ऊपर लिखा है न्यूमिनेटर में इसे आप कह रहे हैं डिप्रिससन अमाउंट और ये अमाउंट हमें जो जितना डिप्रिसिएट किया है इसको हमें रिकवर करना है रिकवर करना है इन ट्वेंटी ईयर्स तो रेट ऑफ़ डिप्रिसिएसन क्या होगा मिस गुल्लक में हर साल के अंत में कितना अमाउंट डालना पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे ट्वेंटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट ऑफ़ डिप्रिसिएशन जिसको हम स्मॉल डी से लिख रहे हैं है ना स्मॉल डी से इसको लिखते हैं तो रेट ऑफ़ डिप्रशिएसन क्या मिल गया वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ पर ईयर ऐसा कुछ हुआ है ना तो अब अगर इस को समझा जाए तो जो हमने एक गुल्लक बनाया था डिप्रेशन फंड बनाया था उस फंड में हर साल के अंत में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द दफ़ सेकेंड सेकंड ईयर ऐसे ऐसे करके एक अमाउंट आना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ़ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवन ईयर एट द एंड ऑफ़ एट्थ ईयर एट द एंड ऑफ़ नाइंथ ईयर इस तरीके से इस फंड में अमाउंट का आना जारी रहेगा अपने फ़ंड को बनाने के लिए ठीक है इस तरीके से हुआ ऐसे ही कंटिन्यू रहता यहाँ से भी आता रहेगा एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर एलेवेंथ ईयर ऐसे आता रहेगा ये कोई बड़ा इशू नहीं है है ना तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया कि वॉट इज़ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो रेट ऑफ़ डिप्रीसीशन इज़ वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ पर ईयर ये हमें यहाँ से मालूम चल चुका है है ना अब ये बात कर रहा है कि इस फंड में इस गुल्लक में फिफ्टीनथ जून 1985 को कितना अमाउंट इसमें होगा तो कितना अमाउंट होगा जी बहुत आसान सा है क्योंकि इसमें आप देखें तो इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉले इंस्टॉलमेंट मैथड भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि अमाउंट हर साल जो फंड में जा रहा है वो आपका फिक्स है कांस्टेंट है तो इसलिए कहना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड तो अगर आप बात करें कि फिफ्टीनथ जून अच्छा अमाउंट जो अकाउंट में जाएगा दैट विल गो एट द एंड ऑफ ईयर तो एट द एंड ऑफ ईयर ही तो जाएगा इस मीन फिफ्टीन जून की जून को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर मई में तो कोई कुछ आया नहीं होगा आया कब होगा 1984 के 31 दिसंबर को ये 1984 का ये 31 दिसंबर है है ना इसी समय अमाउंट यहाँ आया होगा कुल मिला के देखा जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सब मिला के यहाँ तक इस डेट तक नाइन इंस्टॉलमेंट नाइन इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुकी होंगी इट मीन्स इस फंड में नाइन इंस्टॉलमेंट अप टू द दिफ्टींथ जून 1985 तक आ चुकी होंगी तो कुल कितना अमाउंट हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं तो नाइनटीन नाइन इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं और एक इंस्टॉलमेंट कितने का है वन एट फाइव जीरो तो डिप्रिससन फंड ऑन फिफ्टीन जून अगर हमें निकालना चाहें डिप्रीसीसन फ़ंड ऑन फिफ्टीनथ जून 1985. तो क्या कहेंगे नाइन इंस्टॉलमेंट और एक इंस्टॉलमेंट कितने का है 1850. एट फाइव इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16,650 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ सिक्सटीन रुपीज़ इतना अमाउंट हमारे पास इतना अमाउंट हमारे पास 15 जून को होगा अब यहाँ पे अगर हम यहीं पे कहना चाहें कि हम इसी साल अपनी मशीन को सेल आउट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर अपने बॉयलर को सेल आउट करेंगे तो जो हमें यहाँ पर फिफ्टीन मिल रहा था इतना तो नहीं मिलेगा कुछ हायर वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पर कितना असट हो सकता है हमारे पास एक तो ये सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी हो सकता है प्लस यहाँ पे ये यह स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी ये सेल्वेज वैल्यू होगी क्योंकि इसकी लाइफ ट्वेंटी इयर्स है और हम इसको एट द एंड ऑफ नाइन्थ ईयर सेल आउट कर रहे हैं या थोड़ा सा और ज़्यादा छः महीने और ज़्यादा सेल आउट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा मिलेगी यहाँ सेल्वेज वैल्यू मिलेगी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी है ना तो इस इस समय भी अगर हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहें या सलाउट करना चाहें तो ये हमें वैल्यू मिलेगी हम इससे ये बात भी पता कर सकते हैं कि एक रनिंग बिजनेस को रनिंग एसेट को अगर हम सेल करना चाहते हैं तो उसे हमें कितने में सेल करना है जिससे कि हमें लॉस ना हो सो आई थिंक विद दिज टू एग्जाम्पल्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन एंड वाट इज द स्टेट लाइन मेथड वी विल डिस्कस समथिंग मोर इन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर टिल नाउ बेस्ट विशेस थैंक यू